दो साल पहले आपने खेला होबे शब्द खूब सुना होगा। 2022 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का ये शब्द पूरे देश में गूंजा था। दो साल बाद बंगाल में फिर खेला होबे गूंज रहा है। नमस्कार, सियासी नुक्ता विद मुक्ता में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। लोकसभा चुनाव के पहले पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और बीजेपी फिर आमने सामने है। संदेश खाली में बीजेपी ने सियासी दमखम दिखाया तो अब प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल में मोर्चा संभाल लिया है। मोदी को टीएमसी अपना दुश्मन नंबर वन मानती है। अब आप मुझे बता दीजिए, मैं जरा आपको पूछता हूं, क्या ये टीएमसी की लूट मैं चलने दूं क्या? ये टीएमसी जो करती हूं मैं करने दूं क्या? ये पैसा आपका है कि नहीं है? ये बंगाल के लोगों का पैसा है कि नहीं है? आपकी मेहनत का पैसा है कि नहीं है? क्या औरों को लूटने दूं क्या? अगर मैं लड़ाई लड़ता हूं तो सही करता हूं, नहीं करता हूं? ये लूटेरों के पीछे मैं कदम उठाता हूं, अच्छा कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं? मैं आज बंगाल को वादा कर रहा हूं, मेरी गारंटी है, ये लूटने वालों को लौटाना पड़ेगा। ये मोदी छोड़ने वाला नहीं है। बंगाल में खेला शुरू हो चुका है। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में टीएमसी का नेता शाहजहां शेख गिरफ्तार हो चुका है। 55 दिन बाद उसकी गिरफ्तारी हुई है। ममता बनर्जी माने या ना माने, लेकिन उनकी सरकार ने 55 दिन तक संदेश खाली के इस कथित गुनहगार को करीब 2 महीने तक बचाए रखा। जब कोलकाता हाईकोर्ट की तरफ से राज्य सरकार को फटकार लगाई गई तो उसे रातों रात गिरफ्तार करना पड़ा। बीजेपी की तरफ से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे पर ममता बनर्जी को आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस ने यहाँ की सरकार से, यहाँ के मुख्यमंत्री से जवाब मांगने की हिम्मत की क्या? इन लोगों से, संदेश खाली की इन बहनों की तरफ एक नजर देखा भी नहीं गया। और आपने देखा है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या कहा, आप सुनकर के चौंक जाएंगे। मेरी माताओं बहनों, जो बंगाली में मेरा ट्रांसलेशन कर सकते हैं वो इन माताओं बहनों को जरूर बताएं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या कहा? कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं, अरे छोड़ो, बंगाल में तो ये सब कुछ चलता रहता है, क्या ये बंगाल का अपमान है कि नहीं है? बंगाल की महान परंपरा का अपमान है कि नहीं है? बंगाल की महान संस्कृति का अपमान है कि नहीं है? बंगाल के वीर पुरुषों का अपमान है कि नहीं है? बंगाल के संस्कार प्रिय नागरिकों का अपमान है कि नहीं है? आम चुनाव की गर्मी तो पूरे देश में है, लेकिन जैसा साफ मुकाबला पश्चिम बंगाल में दिख रहा है वैसा देश के किसी दूसरे राज्य में नहीं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की 18 लोकसभा सीटें जीती थीं और ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को जबरदस्त झटका दिया था। 2019 में ममता बनर्जी की टीएमसी ने पश्चिम बंगाल की 22 लोकसभा सीटें जीती थीं। इस बार बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में टीएमसी को हराने की ठान ली है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं, पूरे देश में हमने गरीबों को 4 करोड़ से ज्यादा घर दिए हैं, लेकिन ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में पीएम आवास योजना के तहत घर नहीं बनने दे रही हैं। मेरी माताएं बहनें इतनी बड़ी तादाद में आई है, आपको मैं बताना चाहता हूं, आप जानते हैं केंद्र सरकार हर घर नल से जल पहुंचाने का अभियान चला रही है, हर घर में पाइप से पानी पहुंचे लिए काम हो रहा है। 4 साल के भीतर ही पूरे देश में 11 करोड़ से ज्यादा नए परिवारों को पाइपलाइन से, नल से जल की सुविधा मिली है। लेकिन हर घर जल देने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार कछुए की रफ्तार से काम कर रही है। बताइए, ऐसे लोगों को माफ किया जा सकता है क्या? माताएं बहनें, जो आपके घर पानी नहीं पहुंचने देते हैं
उनका दाना पानी बंद करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करोगे क्या? आपके आशीर्वाद रहेंगे? साथियों, उसे माताओं बहनों बेटियों की परेशानियों से कोई लेना देना नहीं है। केंद्र सरकार पैसा दे रही है लेकिन यहां की सरकार उसका उपयोग भी नहीं कर रही है। साथियों, हर उस योजना से जिससे गरीब का भला होता हो, टीएमसी सरकार उसके सामने दीवार बनकर खड़ी हो गई है। मोदी ने हर गरीब परिवार को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की गारंटी दी है। आयुष्मान कार्ड से देश भर में करोड़ों गरीब परिवारों का मुफ्त में इलाज हुआ है। इससे इन परिवारों को लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। लेकिन गरीब एससी एसटी इनकी विरोधी टीएमसी यहां के 1.25 करोड़ परिवारों को इसका लाभ नहीं देने देती। आप मुझे बताइए, गरीब को मुफ्त इलाज मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अगर बीमारी में सरकार उसके पैसे दे तो उसको सरकार का लाभ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अब देखिए, ये गरीब विरोधी टीएमसी वो भी नहीं करने देती। ममता बनर्जी भी बंगाल की सत्ता बचाए रखने और लोकसभा में अपना पिछला आंकड़ा बढ़ाने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रही हैं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस के पास सिर्फ पुराने फॉर्मूले हैं, तो बीजेपी ने बंगाल विजय के लिए संगठन विस्तार के साथ ममता के खिलाफ जबरदस्त माहौल बना दिया है। साथ में प्रधानमंत्री मोदी की छवि और केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं ने ममता सरकार के सामने कड़ी चुनौती पेश की है। प्रधानमंत्री 2 दिन के बंगाल दौरे पर हैं। हुगली में उन्होंने 7,200 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर बंगाल को विकास का रास्ता दिखाया है। टीएमसी सरकार गरीबों के घर तक नहीं बनने दे रही है। पूरे देश में मोदी ने 4 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को पक्के घर दिए हैं, पक्के घर मिल चुके। वो पक्के घर में दिवाली होली मना रहे हैं, दुर्गा पूजा कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के गरीब परिवारों के लिए भी केंद्र की भाजपा सरकार ने 45 लाख घर हमने स्वीकृत किए हैं। इसके लिए 42,000 करोड़ रुपए 42,000 करोड़ रुपए रिलीज किए गए हैं। लेकिन बंगाल में राज्य सरकार गरीबों के घर बनाने के लिए तेजी से काम नहीं कर रही, अड़ंगे डाल रही है, रुकावटें पैदा कर रही है। आप मुझे बताइए, पैसे हैं तो गरीबों के घर बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए? जल्दी से जल्दी बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए? अच्छे से अच्छे बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए? क्या ये टीएमसी वाले बना सकते हैं क्या? बना सकते हैं क्या? अगर बनाएगा तो बीजेपी बनाएगी, अगर करेगा तो मोदी करेगा। 1 मार्च को प्रधानमंत्री ने हुगली से बंगाल को 7,200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी, तो 2 मार्च को वो बंगाल के ही कृष्णा नगर में 15,000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करने वाले हैं। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के आरामबाग में प्रधानमंत्री ने रेल बंदरगाह, तेल पाइपलाइन और LPG सप्लाई जैसी परियोजनाओं का रोड मैप दिया है। उससे बंगाल में हजारों लोगों को रोजगार मिलने वाला है, लोगों की जिंदगी में बड़ा बदलाव आने वाला है। जाहिर है, इस तरह का कोई रोड मैप न ममता सरकार के पास है और न ही वो इस मामले में केंद्र की मोदी सरकार का मुकाबला कर सकती है।
प्रधानमंत्री हर घर नल से जल, पीएम आवास योजना और आयुष्मान योजना जैसे मुद्दों पर ममता सरकार को घेर रहे हैं। प्रधानमंत्री साफ कह रहे हैं कि ममता बनर्जी बंगाल के विकास में रोड़े अटका रही हैं। अपराध और भ्रष्टाचार का एक नया मॉडल पैदा कर दिया है। राज्य सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है, अपराध को बढ़ावा देती है। इतना ही नहीं, अपराधियों को संरक्षण के बदले टीएमसी नेताओं को भर भर के पैसे मिलते हैं। टीएमसी ने यहां प्राइमरी टीचर्स की भर्ती में घोटाला किया, किया कि नहीं किया? घोटाला किया कि नहीं किया? टीएमसी ने यहां म्युनिसिपालिटी भर्तियों में घोटाला किया कि नहीं किया? घोटाला किया कि नहीं किया? टीएमसी ने यहां सरकारी सामान की खरीद में घोटाला किया कि नहीं किया? घोटाला किया कि नहीं किया? टीएमसी ने यहां गरीब को राशन देने में घोटाला किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? गरीब और मध्यम वर्ग की जमीन पर कब्जा करना हो, चीट फंड योजनाओं में घोटाला करना हो, बॉर्डर पर जानवरों की स्मगलिंग करनी हो, टीएमसी ने घोटाले और भ्रष्टाचार के लिए कोई क्षेत्र छोड़ा नहीं है। और इसलिए देखो, टीएमसी के मंत्रियों के घर से नोटों के ढेर निकल रहे हैं, नोटों के ढेर। आपने इतने नोटों के ढेर देखे नहीं देखे? देखे नहीं देखे? क्या कभी पहले नोटों का इतने बड़े ढेर देखे थे? कभी सिनेमा में भी देखे थे क्या? क्या कर दिया इन लोगों ने? और ऊपर से यहां की सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों को भी जांच करने से रोकने के लिए हर हथकंडा अपना रही है। प्रधानमंत्री मोदी के पश्चिम बंगाल के आरामबाग की रैली ने ममता बनर्जी का सियासी आराम हराम कर दिया है। जाहिर है कि 2022 में बड़े अंतर से विधानसभा चुनाव जीतने वाली ममता के लिए लोकसभा चुनाव में बीजेपी नाकों चने चबवा सकती है। वैसे भी 2 साल पहले बंगाल के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जैसी ताकत दिखाई थी, उससे 2024 के लोकसभा चुनाव का ट्रेलर दिख गया था। देश में इस समय बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी की लहर है, इस बात से कोई भी सियासी पंडित इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन ममता बनर्जी के पास इस लहर की काट का क्या फॉर्मूला है, ये भी जानने की कोशिश करते हैं। ममता बनर्जी की ताकत उनकी जमीनी राजनीति है। सिंगूर से लेकर संदेश खाली तक वो कई बार सियासी सुनामी से जूझती रही हैं और इससे पूरी ताकत से लड़कर और जीत कर निकली हैं। ममता बनर्जी प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बने विपक्ष के इंडिया गठबंधन की बड़ी नेता हैं। नीतीश कुमार के एनडीए में जाने के बाद इनका कद और बड़ा हो गया है। अगर वो अपने राज्य की जनता को ये भरोसा दिलाने में कामयाब हो गई कि वो ही बीजेपी के चुनावी रथ को रोक सकती हैं, तो ये बड़ी बात होगी। ममता बनर्जी प्रधानमंत्री की रैली के जवाब में 10 मार्च को कोलकाता के परेड ग्राउंड में खेला होबे नाम से ही महारैली करने वाली है। इस रैली में ममता बनर्जी प्रधानमंत्री के बयानों का जवाब जरूर देंगी। पश्चिम बंगाल के खेला पर पूरे देश की नजर है। हम आपको समय समय पर इसका हर अपडेट बताते रहेंगे, लेकिन तब तक बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।